बहुजन नायक जगजीवन राम गुलाम भारत और कठोर जाति व्यवस्था के भयावह अंधकार के बीच जन्म लेने वाले ऐसी शख्सियत थे जो देश काल और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद अपने प्रखर और बहुआयामी व्यक्तित्व से दलित समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित हुए। बाबूजी कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो एक तरह से बाबूजी का जीवन संघर्ष का जीवन था, समर्पण का जीवन था, बलिदान का जीवन था, मुखालिफत का जीवन था। वो लड़ते रहते थे हक के लिए, अपने हक के लिए नहीं, लेकिन जो इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे है, समाज के पायदान में जो सबसे नीचे है, जिन लोगों की व्याख्या नहीं की जाती, जो दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, जो 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 रोटी प्याज और नमक के साथ खाते हैं, जो और कुछ खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए बाबूजी ने संघर्ष किया। बिहार के शाहबाद, जिसे आज भोजपुर जिला कहा जाता है, वहां के एक छोटे से गांव चंदवा में 5 अप्रैल 1908 को जगजीवन राम का जन्म महंत शोभी राम के घर में हुआ था। जगजीवन जिस दुनिया में पैदा हुए थे वह सवर्णों का संसार था। सदियों से तिरस्कृत सामाजिक रूढ़ियों और कुप्रथाओं से मिलने वाले अपमान का दंश इतना प्रभावी था कि पिता खेतिहर किसान तो थे, लेकिन साथ ही जाति से अछूत भी थे। चंदवा गांव के एक छोर पर बसे जगजीवन राम के पिता शोभी राम जाति से चमार थे। जाति प्रथा की विभीषिका में उनका काम तय था। काम था मरे हुए जानवरों की खाल उतारना और उस खाल से सवर्ण हिंदुओं के लिए जूते गाँटना। ये काम उसी तरह का था जैसे मेहतरों, डोमों, भंगियों और महारों का काम था मानव मल को साफ करना और झाड़ू बहारू करना। तो इन जातियों के ऐसे अमानवीय काम का मूल था सवर्णों की चाकरी करना, लेकिन उसके बदले उन्हें कोई सामाजिक अधिकार नहीं था। समतावादी समाज की कल्पना उन जातियों का गुनाह था, भारी पाप था। वो न तो कुएं से पानी ले सकते थे और न ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। ऐसी प्रताड़ना झेल रहे जगजीवन राम के पिता महंत शोभी राम और वासंती देवी ने इस बात को अच्छे से गांठ लिया था कि चाहे जो हो, बेटे जगजीवन को अच्छी शिक्षा जरूर दिलाएंगे। और यह सोच भी उस दौर में किसी क्रांति से कम नहीं था, क्योंकि शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का एक अधिकार था। अछूतों और दलितों के लिए उस समाज में शिक्षा निषिद्ध थी। बावजूद इसके जगजीवन राम ने स्कूल में दाखिला लिया। साल 1914 में गांव और समाज के भारी विरोध को अनदेखा करते हुए जगजीवन राम हाथ में टाट बोरा लिए प्राथमिक पाठशाला जा पहुंचे, लेकिन तभी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्कूल की राह दिखाने वाले पिता महंत शोभी राम का निधन हो गया। जगजीवन राम के सपनों पर तो मानो धुंध सी जम गई, मगर माँ वासंती देवी थी जिन्होंने जगजीवन राम को आगे की राह दिखाई। मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1920 में जगजीवन राम पहुंचे टाउन हाई स्कूल आरा। जगजीवन राम की प्रतिभा स्कूली शिक्षा से ही निखर कर सामने आने लगी, लेकिन जीवन में पहली बार अछूत होने का दंश भी जगजीवन राम को उसी समय में झेलना पड़ा था, जब टाउन हाई स्कूल आरा में उन्होंने अछूतों के लिए अलग पानी का घड़ा देखा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भेदभाव उस वक्त कैसा होता है। इतनी जाति प्रथा कितनी सक्रिय थी, जमी हुई थी। उस समय बाबूजी उभर के आए, अव्वल नंबर आए। एक मशहूर किस्सा है कि जब स्कूल में थे तो वहाँ पर दो घड़े रखे हुए थे, एक
जो अवर्ण थे उनके लिए, जो दलित थे उनके लिए और दूसरे और लोगों के लिए दूसरा घरा, तो बाबूजी को इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक घरा तोड़ दिया। लेकिन इनका जीवन एक संघर्ष का जीवन था। उस समय भेदभाव और जाति प्रथा इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जब जो अवर्ण थे जब चलते थे तो उन गले में एक पीक दान उनको पहनना पड़ता था जहाँ पर वो थूक सके ताकि वो ज़मीन दूषित ना हो। उनको अपने कमर में एक झाड़ू बांध के चलना पड़ता था ताकि वो अपना रास्ता खुद ही साफ करते हुए चलते जाए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वो यहाँ पर उभर के आए। तो अब तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो जो वादे थे उस वक्त के, सामाजिक न्याय के वादे, समावेशी विकास के वादे, वो क्या पूरे हुए, ये पूछना चाहते हैं। और बाबूजी की अहमियत इस वक्त यही है। जगजीवन राम ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनकी मेधा को देखते हुए 1925 में आरा आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बनारस आने को कहा। मालवीय जी के आदेश को शिरोधार्य मानते हुए जगजीवन राम 1926 में BHU पहुंचे और ISC में दाखिला लिया। यहां उन्हें रहने के लिए छात्रावास मिला, लेकिन घोर जाति प्रथा और ऊंच नीच की भावना के कारण जगजीवन राम को भारी धक्का पहुंचा। हॉस्टल के मेस कर्मचारी ने उनके जूठे बर्तन को धोने से इनकार कर दिया। इस बात ने जगजीवन राम को इतनी चोट पहुंचाई कि उन्होंने फौरन BHU का हॉस्टल खाली कर दिया और लंका के पास 80 मोहल्ले में किराए पर एक कमरा लेकर पढ़ने लगे। BHU से ISC की परीक्षा उन्होंने अव्वल दर्जे में पास की। मालवीय जी चाहते थे कि जगजीवन राम आगे की पढ़ाई भी BHU से करें, लेकिन जातिवाद के घोर दंश को झेल चुके जगजीवन राम ने मालवीय जी की सदाशयता के लिए धन्यवाद दिया और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता रवाना हो गए। जगजीवन राम ने साल 1928 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यासागर कॉलेज में BSc में दाखिला लिया। कलकत्ता में रहकर पढ़ाई कर पाना उनके लिए इस कारण आसान था क्योंकि उनके बड़े भाई संतलाल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कंपाउंडर थे। जगजीवन राम BSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद वैज्ञानिक बनना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता में अध्ययन के दौरान उनकी मुलाकात क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विधान चंद्र राय सरीखे महान शख्सियतों से हुई। इन मुलाकातों का जगजीवन राम के जीवन पर बहुत बड़ा असर आया। जगजीवन राम ने समझा कि वैज्ञानिक बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश को अंग्रेजों से स्वाधीन कराना। बस फिर क्या था, BSc की डिग्री घर के ताखे में रखकर जगजीवन राम कूद पड़े आजादी के आंदोलन में। महात्मा गांधी की जलाई मशाल लिए जगजीवन राम अब गांव-गांव अंग्रेजों को देश से भगाने का प्रचार प्रसार करने लगे। जगजीवन राम ने साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गोरों का विरोध करते हुए, गोरी शासन का विरोध करते हुए जेल भी गए। इस दौरान जगजीवन राम का विवाह इंद्राणी देवी से हो गया। इंद्राणी ने भी पति जगजीवन राम को प्रेरित किया कि वो गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें और आजादी के आंदोलन की अगुवाई करें। वो स्वयं पटना में चरखा क्लास चलाने लगी और इस तरह से जगजीवन दंपति आजादी के संघर्ष में तन मन न्योछावर करके देश सेवा करने लगे। देश के प्रति जगजीवन राम के इस समर्पण को देखकर स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था, जगजीवन राम तपे कंचन की भांति खरे और सच्चे हैं, मेरा हृदय इनके प्रति आदरपूर्ण प्रशंसा से भरा पड़ा है। जगजीवन राम ने जिस तरह से आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, जनमानस को जागृत किया, उसके कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मजबूत आधार स्तंभ बन गए। यही कारण था कि जब जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 2 सितंबर 1946 को भारत की पहली अंतरिम सरकार बनी तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया।
इस तरह से बाबू जगजीवन राम पहली बार दलितों के प्रतिनिधि बनकर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए। साल 1947 में आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। देश के मेहनतकश कामगारों ने आजादी के सुबह सवेरे में जिस औद्योगिक क्रांति की नींव रखी, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबू जगजीवन राम का है। साल 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ और बाबू जगजीवन राम ने बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र से पर्चा भरा। बाबू जगजीवन राम उस चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। बाबू जगजीवन राम न केवल पहले आम चुनाव बल्कि 1957, 1962, 1967, 1971, 1980 और 1984 में भी सासाराम से लगातार 7 बार सांसद रहे। बाबू जगजीवन राम न केवल श्रम मंत्री बल्कि नेहरू सरकार के अलग अलग कार्यकाल में संचार मंत्री और रेल एवं परिवहन मंत्री भी रहे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात करें तो बाबू जगजीवन राम श्रम रोजगार एवं पुनर्वास मंत्री, खाद्य कृषि एवं सहकारिता मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रहे। इसके अलावा जनता पार्टी के शासनकाल में बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। दशकों की सक्रिय संसदीय राजनीति के बाद भी बाबू जगजीवन राम अपने जीवन के आखिरी लम्हे तक दलित और शोषित समाज की आवाज बने रहे। 1971 के उस पल को देश आज भी याद करता है जब बाबू जगजीवन राम ने बतौर रक्षा मंत्री देश की सेना का मनोबल इस तरीके से बढ़ाया कि उसने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश की नींव रख दी थी। जब 1975 के इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो जगजीवन राम को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने उनकी प्रशंसा में कहा था, बाबू जगजीवन राम एक व्यक्ति नहीं अपितु एक राजनैतिक और सामाजिक शक्ति हैं, जिनके सहयोग के बिना नए भारत के निर्माण की कल्पना करना असंभव है। दलितों के अग्रदूत बाबू जगजीवन राम का निधन 6 जुलाई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके बारे में कहा था, तुल न सके धरती धन धाम, धन्य तुम्हारा पावन नाम, लेकर तुमसा लक्ष्य ललाम, सफल काम जगजीवन राम।